तो तब भी आपका हिसाब जोड़ मोड़ के बता रहा है कि मुफ्ती इस्माइल साहब इस बार आने आएंगे आएंगे 155 166 महा विकास अघाड़ी एग्जिट पोल दे दिया आपने अभी। हाँ, पूरे महाराष्ट्र को बता रहा हूँ। विधानसभा चुनाव का एक और हिस्सा, सफर का एक और नया मोड, मालेगांव में हम लोग मौजूद हैं। बात करते हैं यहाँ के लोगों से, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव में ये जो हमारा सफर शुरू हुआ है, काफी समय से चल रहा है, कई सारे एपिसोड्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे और अभी देख लीजिए। और एक छोटी सी चीज जो आप हमें सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, अगर अगर काम पसंद आ रहा है तो फॉलो और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं साजिद भाई है। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, आपकी दुआएं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 155 166 आएंगे महा विकास अघाड़ी। मालेगांव में मुफ्ती साहब आएंगे, कल्याण के अंदर बीजेपी हारेंगी। जो जो आदमी ने मर्डर करा था कल्याण में, सिंधे का वो जो आदमी मारे थे सिंधे ग्रुप का, वो जो गोली मार के उसको मारे थे, तो वो उसको जो टिकट दिए बीजेपी, उसकी औरत को टिकट दिए, वो हार जाएंगे कल्याण से। काफी पैनी नजर है सर सियासत पर आप। बोलिए और कुछ बोलिए आप। नहीं मतलब तो मुफ्ती साहब के सपोर्ट में आप है तो कोई खास वजह उनको सपोर्ट नहीं, नहीं, हम लोग न्याय न्याय मत के आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग न्याय साहब के वहीं से 1900 हम लोग न्याय के साथ है। तो तब भी आपका हिसाब जोड़ मोड़ के बता रहा है कि मुफ्ती इस्माइल साहब इस बार आने आएंगे आएंगे 155 166 महा विकास अघाड़ी एग्जिट पोल दे दिया आपने अभी। हाँ, पूरे महाराष्ट्र को बता रहा हूँ। जी बात कर, क्या नाम है भैया आपका? ना नाम शहजाद अंजुम। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो कोई नाम कोई चेहरा है आपके दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? वही है हमारे कायद और सालार जो आज है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। तो उनको सपोर्ट करने के पीछे कोई खास वजह? वो जब भी असम्बली के अंदर खड़े होते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो सुन्नत है, चेहरे पे दाढ़ी लिए हुए हैं, सर पर टोपी है, सुन्नत को लेकर वो हर जगह जाते आते हैं। इस बुनियाद पर हमको दोबारा असम्बली तक पहुंचाना चाहते हैं और नशे के जो मुक्त नशा मुक्त मालेगांव है आज हमारे हम नौजवान जिस राह रवा पर चल रहे हैं, कुत्ता गोली है, दारू नशा है, ये सब काम उनको समझ बूझ कर काम करते हैं, इसलिए हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को दोबारा आमदार बनाना चाहते हैं। आपके भी यही ख्याल है सर या कुछ मुख्तलिफ फैंस है? नहीं नहीं बस यही है, यही ख्याल है। यही कि यार देखो हमारे मुफ्ती साहब जो है कम से कम इन्हीं काम भी की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इस्लाम पूरा यानी मालेगांव में आज RCC रोड जितनी रोड दिख रही है जितना इस समय में आज 2500 साल के बीच में देखा हूँ कहीं नहीं देखा हूँ, यानी मालेगांव में कोई आमदार अभी ऐसा इतना काम नहीं किया है। ठीक है और काम भी, और विपक्ष तो उन पे इल्जाम लगाती है कि काम नहीं किया है, जब जनता ने बहुत हुआ है लोगों को नहीं दे रहा जहाँ खड़ा, ये भी मुफ्ती साहब बनाए नहीं, बस सिर्फ ये है कि बहुत खुला हो इन्हीं काम ऐसा नहीं दिख रहा है जो आदमी जो बहुत उभर के आए, इन्हीं कुछ कुछ काम इन्हें लोगों को नज़रअंदाज करते लेकिन चल रहे उसी पे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। और काम तो ऐसा नहीं, काम हुआ है, अब हो भी रहा इंशाल्लाह होगा भी, इसलिए हम मुफ्ती साहब को चुनेंगे इंशाल्लाह दोबारा। सही है भैया आपका? मोहम्मद तला। अभी सर विधानसभा चुनाव नजदीक है तो कोई नाम कोई चेहरा दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब। कोई खास वजह? असदुद्दीन अवैसी साहब, विधानसभा असम विधानसभा में आवाज उठाते हो, मुसलमानों की 3 तलाक का मसला हो और CNRC का मसला और सब मुसलमानों की ये जो सब सब चल रहा है और इसीलिए आप उनके सपोर्ट। ये थोड़ा सा देख के आइए। अभी सर अभी इलेक्शन आ रहा है सर, तो कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? आमदार तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से मुफ्ती साहब ही सही है जी। तो क्यों, कोई खास वजह सर? कोई खास वजह नहीं है, काम उनका है बस वही है और कुछ। चलिए सही। तो कोई नाम कोई चेहरा दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना? आसिफ, आसिफ साहब को। तो कोई खास वजह आसिफ साहब को आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? आसिफ साहब एक नंबर लीडर है ना, आप क्या खास वजह है? आसिफ साहब, बस आसिफ साहब। क्या नाम है भैया आपका? मुबीन नाम है। अभी सर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है
तो कोई नाम कोई चेहरा दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। कोई खास वजह उनको देखने? बेहतर है, आलिम है और उनके जरिए बहुत सारे काम हुए शहर के अंदर। तो अभी पिछली बार जनता ने जिस व्यक्ति को मौका दिया था उनकी तरफ से काम हुआ है मालेगांव? नहीं, मालेगांव में कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया जो काम होने चाहिए, वो काम नहीं नज़र आया। एक ही ख्याल है वो आपके सामने ही है। तुम सुनो ना, ये चीज पे तुम गौर करो। काम की तो पूरे शहर में ज़रूरत है। जहाँ नज़र उड़ाएंगे वहाँ काम ही नहीं हो रहा ना शहर के अंदर। जहाँ नज़र उड़ाएंगे वहाँ पर वहाँ काम नज़र आएगा। जहाँ नज़र आप उड़ाओगे काम नहीं है। ट्रैफिक का हर किस्म की तकलीफ है। ट्रैफिक की तकलीफ है, रोड गटर की तकलीफ है, गंदगी की तकलीफ है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के एरियो में ख़ास तौर पर गंदगी है, ख़ास तौर पर ट्रैफिक है। रोड को देख लो तुम नज़र उड़ाकर, तो जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ होती नहीं, वो चीज़ होनी चाहिए। जनता सवाल करती है सर इन सब चीज़ों के बारे में? जनता सवाल करती है, उसका जवाब उधर से आता ही नहीं है, सामने से नहीं आता, कोई जवाब देता ही नहीं है। चलिए सर, सही है। क्या हुआ? अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है ना? हाँ। तो कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? हाँ, अभी जो एमएलए है उसको ही तो वापस से देखना चाहेंगे हम लोग। कौन? मुफ्ती इस्माइल कासमी। हाँ, तो कोई खास वजह उनको सपोर्ट करने के पीछे? नहीं, अच्छे हैं, ईमानदार है। इसके लिए इधर हो जाओ। क्या नाम है सर आप? इरफान कुरैशी। अभी सर विधानसभा चुनाव आ रहा है, एमएलए इलेक्शन, तो कोई नाम कोई चेहरा दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? शेख आसिफ साहब है ना। तो कोई खास वजह उनको सपोर्ट करने की? उनकी खास वजह ये है जो काम गांव में टोटल काम उनसे ही होते हैं, और दूसरा कोई आमदार कोई नहीं कुछ कर सकता। जो भी गांव में काम मसला है प्रॉब्लम का, ये पूरा मसला वही कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अंसारी रफी का नाम। अभी सर विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तो कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जैसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? आमदार तो अभी वही, यहाँ तो तीनों का अभी अच्छा रुझान है जी। आसिफ शेख साहब का भी है, मुस्तकीम भाई का भी है, मुफ्ती साहब का भी है। अब देखते हैं यहाँ पे, बहरहाल मुफ्ती साहब का ज़्यादा प्रोग्राम ज़्यादा है, उनकी पकड़ अच्छी है। तो आप किसी नतीजे पर पहुँचे हैं? नहीं, अभी तो यहाँ पे आवाम किसी नतीजे पर पहुँच ही नहीं पाई है। तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार जब जनता ने जिसको भी मौका दिया था काम किया है उन लोगों ने? काम तो फिलहाल सभी किए हैं, जो भी था सत्ता में वो काम किया है अच्छा। आने वाले वक्त में भी काम अच्छा ही होगा। आप भैया, आपके क्या ख्याल आते हैं विधानसभा चुनाव? शान हिंद। कौन? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी से। क्यों, कोई खास वजह? समाजवादी पार्टी उनसे जुड़े हुए ना। अच्छा, आप जुड़े हुए हैं? तो मतलब सियासी आदमी है आप? तो नगर पप्पा नगर सेवक भी रह चुके हैं। अच्छा, आपके? हाँ। तो इस बार कौन रहेगा उम्मीदवार वैसे समाजवादी? कुछ बोल नहीं सकते। तो लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी? 50-50 वाला मामला है। 50-50। तो शायद पहली बार समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव? समाजवादी पार्टी पहली बार है। तो उम्मीदवार आपका अभी तय नहीं है? शान हिंद तय है, फाइनल है। अच्छा, शान हिंद नाम है उम्मीदवार? नाल साहब की बेटी है वो। अच्छा। और समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष भी है यहाँ की। तो चलिए खैर, यहीं पे इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी तंग इलाके हैं, कहीं पर अगर हम लोग खड़े भी हो जाते हैं तो फिर गाड़ियों की आवाजाही में तकलीफें होने लगती हैं। ये अलग अलग विचार आप सुन चुके हैं, आपके क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट, फॉलो और सब्सक्राइब छोटी सी बात है अगर आपको काम पसंद आता है तो। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।